सो गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं, कुछ इस तरह की वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। गाइस आप लोग अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने भी इस टाइप की वीडियो को जरूर देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है और इस टाइप की वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल होती है गाइस आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो मेरे पास और कमेंट भी आ रहे थे कि इस टाइप की वीडियोज़ हैं हम कैसे एडिट करें, स्टार्टिंग में जो लिरिक्स आती है एंड फिर बाद में इसमें वीडियो लगती है एंड फिर उसमें से इफेक्ट वगैरह आते हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। बस आप लोगों को ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर वीएन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। गाइस अगर आपके पास वीएन एप्लीकेशन नहीं है तो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वरना आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो मैंने वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है, एंड ओपन करने के बाद अब प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे आपकी गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगी, एंड गैलरी ओपन होने के बाद सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर अपनी वीडियो को ले लेना होगा। सो गाइज आप लोग यहां पर देख सकते हैं मैं एक वीडियो यहां पर ऐड कर लेता हूं, देख सकते हैं इस वीडियो में कोई भी यहां पर इसका चेंज वगैरह नहीं है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस टाइप की यहां पर वीडियो है, एंड वीडियो के एंड में आपको आना होगा। एंड में आने के बाद ये ब्लैक कलर का जो वाटरमार्क आप लोगों को दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके इसको आप लोगों को यहाँ से डिलीट कर देना होगा। इतना काम होने के बाद अब गाइज आप लोगों को यहाँ पर इसको 10 सेकंड तक कर लेना होगा। इतना करने के बाद अब गाइज आप लोगों को यहाँ पर इसमें करना क्या होगा, आप लोगों को इसमें स्काई वगैरह यहाँ पर जो है इफेक्ट वगैरह ऐड कर देना होगा। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फोटो एंड वीडियो में चले जाना होगा, एंड फोटो एंड वीडियो में जाने के बाद अब गाइज आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, आपको यहाँ से गाइज आपको यहाँ पर एक वीडियो ऐड कर लेनी है। मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। सबसे पहले तो गाइज आप लोगों को यहाँ पर एक स्काई वाली वीडियो को ऐड करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं कोई एक स्काई वाली यहाँ पर वीडियो ऐड कर देता हूँ। मेरे पास वीडियो तो है यार, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो मैं यहाँ पर चलो यही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक वीडियो है, ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ये वीडियो है, ये देखने में बहुत ज़्यादा ओसम लगती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं जो इसका स्टार्टिंग का पार्ट है वो कट कर देता हूँ, क्योंकि जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसमें कम स्काई ज़्यादा दिखाई कम देती है। तो चलिए एंड मैं स्काई का इसको करने के बाद आपको कट करने के बाद आपको इसको यहाँ पर स्टार्टिंग में लगा देना होगा। स्टार्टिंग में लगाने के बाद आपको इतना काम करने के बाद आपको अब यहाँ से आपको इसको फुल स्क्रीन में कर लेना होगा, एंड फुल स्क्रीन में ऊपर की साइड आपको ले जाने के बाद आपको इसको अच्छे से एडजस्ट वगैरह कर लेना होगा। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को अब नीचे की साइड काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बट गाइज यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मास्क का। सो आपको मास्क वाले आइकन पर क्लिक करके लीनियर पर डबल टैप कर देना होगा। डबल टैप करने के बाद अब कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। आने के बाद अब यहाँ से आपको इसमें फेड इन इफेक्ट आप लोगों को दे देना होगा। कुछ इस टाइप से आप लोगों को अपने फिंगर की हेल्प से आप लोगों को इस टाइप से कर देना होगा। इस टाइप से करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर नीचे की साइड कुछ इस तरह से आप लोगों को कर देना होगा। तो गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके यहाँ पर जो वीडियो हमने यहाँ पर ये ऐड की थी, जो स्काई यहाँ पर ऐड की थी, वो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी लग रही है देखने में। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मैं और इसमें थोड़ा क्लीन वगैरह कर देता हूँ जिसके फेस पे, ताकि ये फेस पे ना आए इसके। ठीक है, मतलब बिल्कुल अच्छे से लगनी चाहिए कि बिल्कुल अच्छे से ऐड की हुई है। आप लोगों को थोड़ा फाइनेंसिंग वगैरह देख लेनी है भाई, अच्छे से लगे ताकि वीडियो एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना हो। इतना काम करने के बाद अब यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना होगा, एंड गाइज आपको इसकी स्पीड को भी थोड़ा कम कर देना होगा। ठीक है, इसकी स्पीड तो यहाँ पर कम नहीं हो रही है, चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसे ही कर देते हैं। इतना काम करने के बाद अब यहाँ से आपको इसमें PNG वगैरह भी ऐड कर लेनी होगी। ठीक है, ब्लैक PNG जो PNG पर्स PNG है ना, वो ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे वो वाली वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अब यहाँ पर उनको ऐड करने के लिए यहाँ से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा, एंड फोटो एंड वीडियो पर क्लिक कर देना होगा, एंड हम यहाँ से जो है ये ऐड कर देते हैं बर्ड्स PNG। लिंक वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना गाइस आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सभी मटेरियल वहाँ पर डाल देता हूँ, जो जो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ सारा का सभी का मटेरियल मैं वहाँ पर आपको फ्री में दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद अब यहाँ से आपको इसको ऊपर की साइड ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद अब यहाँ से आपको फिर से यहाँ पर मास्क वाले आइकन पर जाना होगा, लीनियर पर क्लिक करके एक बार फिर से आपको लीनियर पर क्लिक करना होगा, एंड फिर से आपको इसमें फेड इफेक्ट दे देना होगा कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप से आप लोगों को फेड इफेक्ट देने के बाद अब यहाँ से आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद अब इतना काम करने के बाद अब यहाँ से गाइज आपको ब्लेंडिंग पर आकर मल्टीप्लाई पर क्लिक कर देना होगा। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये उषम लग रही है देखने में गाइज, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। ठीक है,
देख सकते हैं गाइज़। अगर आप पिछली वाली इसमें स्काई वगैरह हटाना चाहें ना तो वो भी हटा सकते हैं गाइज़। अगर आप इसमें सिर्फ यही ऐड करना चाहें ना तो आप लोग इसमें बस यही ऐड कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। चलो मैं यही ऐड कर लेता हूँ गाइज़। अगर आप स्काई वगैरह भी ऐड करना चाहें तो वो अलग हिसाब से आप लोग अपने कर सकते हैं। इतना काम होने के बाद अब आप लोगों को इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना होगा। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद अब यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद अब गाइज़ यहाँ से आपको करना क्या होगा, चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इतना हमारा वीडियो ये एक्सपोर्ट होने लगेगा। सो फाइनली गाइज हमारा वीडियो तो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है। अब गाइज इतना काम करने के बाद अब यहाँ से आप लोग अब गाइज हमारी वीडियो तो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुकी है। इतना काम करने के बाद अब यहाँ से आपको सेकंड एप्लीकेशन को ओपन करना होगा जिसका नाम है प्रिक्यूल। गाइज आप लोगों को पता होगा गाइज अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा भाई मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है प्रिक्यूल। गाइज अगर आपके पास नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, वरना मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पर जो है हमने प्रिक्यूल एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। एंड ओपन होने के बाद अब यहाँ से आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। एंड प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर वही वीडियो ऐड करना होगा जो हमने बिल्कुल अभी अभी एक्सपोर्ट किया था। तो फाइनली आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। एंड वीडियो को ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा यहाँ पर हमें कलर एडजस्ट वगैरह करना होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एडजस्ट वाले आइकन पर जाना होगा। एडजस्ट जाने के बाद आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको एडजस्ट वगैरह करना है गाइज, अगर आप करना चाहें तो ठीक है। कलर ग्रेडिंग वगैरह अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद अब यहाँ से आपको यहाँ पर आ जाना होगा वाइड एंगल में, ठीक है। आपको इस पर आ जाऊँगा फीसिस पे, आपको थोड़ा सा इसमें वाइड एंगल वगैरह यहाँ पर दे देना होगा, ठीक है। वाइड एंगल आपको लोगों को दे देना होगा, वाइड एंगल इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए मैं इसको कम से कम यहाँ पर 50% इसमें वाइड एंगल दे देता हूँ। वाइड एंगल देने के बाद अब यहाँ से आपको इसमें फिल्टर वाले आइकन पर जाना होगा। एंड फिल्टर वाले आइकन पर जाने के बाद अब यहाँ से आपको एक फिल्टर देखने को मिलेगा विन नेम का। सो आपको विन नेम वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। एंड क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपके वीडियो में यहाँ पर जो है यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा, स्काई वगैरह सब चेंज हो जाएगी। बट गाइज अगर आप इसको थोड़ा सा हल्का वगैरह करना चाहें, ठीक है, कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो गाइज यहां पर आपको करना क्या होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप हमारी वीडियो में यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। बट गाइज अगर आप इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज कम से कम आप लोगों को इसको यहाँ पर 50% कर देना होगा। 50% करने के बाद अब यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको फिर से इफेक्ट्स वाले आइकन पर जाना होगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को एक फिल्टर देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा टेस्ट नेम का। सो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। आपकी वीडियो में यहाँ पर टेस्ट ऐड हो जाएगा और देखने में बहुत ज़्यादा ओसम लगेगी। अब इतना काम होने के बाद अब आप लोगों को इस वीडियो को यहां से एक्सपोर्ट कर लेना होगा फटाफट से। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इतना हमारा वीडियो ये एक्सपोर्ट हो जाए। सो फाइनली गाइज हमारी वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुकी है। एंड वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद अब करना क्या होगा, अब यहाँ पर जहाँ पर सेव है ना आपको सेव वीडियो पर क्लिक कर देना होगा। एंड क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको बैक आना होगा। एंड बैक आने के बाद अब आप लोगों को फिर से यहाँ पर फटाफट से अपने VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से अपने VN एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने अपने VN एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। एंड ओपन होने के बाद अब यहाँ से आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, न्यू प्रोजेक्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा। सबसे पहले तो यहाँ से आप लोगों को इसमें लिरिक्स वीडियो ऐड कर लेना होगा। लिरिक्स वीडियो ऐड करने के बाद अब आपको सेकंड वीडियो को ऐड कर लेना होगा। एंड यहां पर आप लोगों को ओके पर क्लिक कर देना होगा। और गाइज अगर आपके पास स्टार्टिंग वाली लिरिक्स वीडियो नहीं है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जाके आप लोग इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो फाइनली हमारी जो स्टार्टिंग की वीडियो थी लिरिक्स वीडियो वो यहां पर ऐड हो चुकी है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इतना काम होने के बाद अब यहाँ से आपको सबसे पहले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को जूम वाला जो है यहाँ पर इसमें ट्रांजिशन ऐड कर देना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ओसम लगता है देखने में। आपको इसके साइज वगैरह को आप लोगों को अपने हिसाब से इसके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अगर आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद गाइज अगर इसमें साउंड वगैरह है तो आप लोगों को उसके साउंड को यहाँ से म्यूट कर देना होगा। और इसके जो लिरिक्स वगैरह है इसका साउंड में म्यूट करने के बाद अब यहाँ से आपको टैप टू ऑडियो म्यूजिक पर क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ पर आपको इफेक्ट पर जाने के बाद आपको प्लस पर क्लिक करके एक्सेप्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ से इस वीडियो का साउंड जो है वो आप लोगों को इसमें साउंड को ऐड कर देना होगा। मैं इस वीडियो को अपने टेलीग्राम चैनल को एंड इसका जो साउंड है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग जाके इस साउंड को डाउनलोड कर सकते हैं। सो फाइनली हमारा जो साउंड है वो ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद अब यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना होगा। एंड ओके पर क्लिक करने के बाद गाइज अब यहाँ से आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारा साउंड यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हमें यह देखना है कि जो हमारे साउंड में बीट कहाँ कहाँ पर आ रही है, फिर हमें उसी के हिसाब से अपनी वीडियो को थोड़ा सा एडजस्ट यहाँ पर कर लेना होगा। इतना काम करने के बाद अब यहाँ से आपको अपने साउंड वाले की लेयर पर क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ से आपको बीट्स वाले आइकन पर जाना होगा। एंड बीट्स वाले
वाले आइकन पर जाने के बाद अब जहाँ जहाँ पर बीट आ रही है वहाँ पर आपको अपने साउंड में ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पर इसमें जहाँ जहाँ पर बीट आ रही है मैं वहाँ पर इसमें फटाफट से ऐड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर बीट आ रही थी मैंने यहाँ पर इनको सही से एडजस्ट कर दिया है। जहाँ जहाँ पर बीट आ रही थी अब आप लोगों को अपने वीडियो को वहाँ से डिवाइड कर लेना, वहाँ पर आपको कट लगा देना होगा, यहाँ पर आपको कट लगाना होगा एंड यहाँ पर आपको कट लगाना होगा एंड यहाँ पर आपको कट लगाना, यहाँ पर कट लगाना एंड 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 अब यहाँ पर इतना काम होने के बाद अब यहाँ से आपको जो ब्लैक कलर का ये वोटो मार्क है आपको उस पर क्लिक करके इसको यहाँ से आप लोगों को कर देना होगा डिलीट। अब आप लोगों को यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेना होगा एंड जूम करने के बाद अब यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी वीडियो के लेयर पर क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ से आपको एफेक्ट्स वगैरह में चले जाना होगा। एफेक्ट्स वगैरह में जाने के बाद अब आप लोगों को अपनी वीडियो में यहाँ पर जो है एफेक्ट्स ऐड कर देने होंगे। अलग अलग प्रकार से आप लोगों को अपनी वीडियो के अंदर एफेक्ट्स वगैरह ऐड कर लेने होंगे। ठीक है, एफेक्ट्स आपको स्टार्टिंग में ऐड करना होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पर एफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे यार आप लोगों को, जो भी आप लोग ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। मैं शेक वाला ऐड कर देता हूँ एंड इसमें मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, कोई सिंपल से ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैं थिएटर वाला ऐड कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। एंड इसमें भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, कोई अच्छा सा ऐड कर देता हूँ गाइज। यहाँ पर आप लोगों को प्लस पर क्लिक करके इसमें कोई थोड़ा सा भाई आपको ये ऐड कर देना होगा गाइज, ये यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करके इसमें वाइट वाला ट्रांजिशन ऐड कर देना होगा। ये भी देखने में गाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर अब जाने के बाद अब आगे आपको जाने के बाद आपको इसमें कोई और एफेक्ट्स वगैरह ऐड कर देना होगा, ये ऐड कर देता हूँ मैं। ये ऐड करने के बाद अब यहाँ से आपको बस हमारी लास्ट की वीडियो रह गई है, चलिए मैं इसमें भी ऐड कर देता हूँ फटाफट से गाइज। तो फाइनली हमने यहाँ पर सभी वीडियो में एफेक्ट्स ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ से मैं आप लोगों को अपनी वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो कैसी बनी है। और गाइज मैं आप लोगों को एक बार और बताना चाहता हूँ भाई, इस वीडियो में आप लोगों को साउंड वगैरह कुछ भी नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, बिकॉज इसका साउंड मैं यहाँ पर अभी माइक की वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसी की वजह से इसका साउंड आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। तो चलिए आप बिना साउंड के इस वीडियो को देख लीजिए और ये देखने में बहुत ज़्यादा ओसम लग रही है। ठीक है, यहाँ पर गाइज आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी ज़्यादा यहाँ पर ओसम लग रही है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। कुछ इस टाइप से आप लोग भी अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एंड इस वीडियो को आप लोग इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर सकते हैं, आपका वीडियो भी डेफिनेटली यहाँ पर जो है वायरल हो सकता है। अब इतना काम करने के बाद अब आप लोगों को अपनी वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना होगा, ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, आप लोग इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करना था, मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।